मधुचंद्र की पहली रात, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। शादी का जब मौसम होता है तो उसके वो मौसम में जब बहुत लोग मेरे क्लिनिक में आते हैं, 8-10 लोग और लड़का लड़की, तो मुझे समझ में आता है कि उससे भी गड़बड़ हो गई इनके घर में शादी के बाद। जैसे एक दिन मैं बैठा हुआ था तो कम से कम 12-15 लोग, एक लड़का और लड़की लेके मेरे चेंबर में आए। उनका यह कहना था, लड़के वालों का, कि ये लड़का आदमी में नहीं। और लड़के का कहना था कि मैं बराबर हूं, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं आदमी में हूं और मुझे सेक्सुअली कोई प्रॉब्लम नहीं। वो आए थे कि भाई इनको टेस्ट करो और टेस्ट करके बताओ कि भाई वो आदमी में है कि नहीं, सही है कि नहीं। तो मैंने सब तपास लिया और उसमें कुछ भी मुझे ऐसा कोई बीमारी दिखी नहीं कि भाई लड़के में कोई बीमारी है। फिर मैंने सब लोगों को बाहर भेजा, क्योंकि लड़के वाले बोल रहे थे कि ये लड़का आदमी में नहीं है, लड़के वाले बोल रहे थे कि आदमी में है, और वो इतना हो चुका था कि बस अभी हम लड़के लेके वापस जाएंगे और ये शादी टूट जाए, मतलब यहां तक आ गया। फिर सबको मैंने बाहर भेजा और बाहर भेज के दोनों को बिठाया, उनसे बातचीत किया। फिर मैंने ये उनको समझाया कि भाई आप देखो कि शादी हो गई है, शादी के बाद में पहले दिन ही, मतलब शादी जिस दिन हुई उस दिन ही उनका रात का, रात में उनका मधुचंद्र होने वाला था, मतलब पहला कॉन्टेक्ट, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट होने वाला था। अब देखो होता क्या है कि शादी के पहले 2-4 दिन से वो धूमधाम रहती है घर में, दोनों तरफ नींद बराबर होती नहीं, खाना पीना बराबर नहीं, ज्यादा उल्टा खा लेते हैं, और फिर शादी के दिन भी बहुत सारे फेरे लोग आना जाना, रिसेप्शन, ये होने के बाद भी इतनी थकान आती है, और फिर रात को उनका यदि पहला समागम होने वाला है तो उस दिन रात को क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसने परफॉर्म करना चाहिए, उसने समागम करना चाहिए, संभोग करना चाहिए, क्या एक्सपेक्ट, कैसा क्या एक्सपेक्ट करेंगे। और होता क्या है कि लड़की के दिमाग में एक उस तभी एक चित्र रहता है, और पहली रात कैसी होना चाहिए उसके बारे में भी काफी सारी कहानियां उन्होंने सुनी रहती है, वीडियो देखे रहते हैं, तो वो एक्सपेक्ट करती है कि आज की रात जो है वो मेरी सक्सेसफुल होना चाहिए। लड़के ने भी ये सुन लिया रहता है, कहीं ना कहीं दोस्तों ने सुन लिया रहता है, और उन्होंने भी सुन लिया था कि नहीं नहीं पहली जो रात रहती है वो रात तो सक्सेसफुल होना ही चाहिए, और पहले रात में कम से कम 4 बार 5 बार 8 बार वो कार्यक्रम होना चाहिए। अभी जब थके हुए है, फिजिकली थके हुए है, दिमाग में टेंशन है, लड़की अपना घर दार छोड़ के ये नए घर में आई हुई है, सब नए लोग है, उसको कहीं अनुभव नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई कॉन्टेक्ट पहले हुआ नहीं है, लड़का भी समझो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उसको मालूम नहीं कि क्या है क्या नहीं, तो ऐसे इसमें हमने क्या एक्सपेक्ट करना कि वे उनका सक्सेसफुल समागम हो जाए। वो जब कमरे में जाते हैं तो लड़की डरी हुई रहती है, मालूम नहीं कि क्या होने वाला है, लड़के को मालूम नहीं क्या होने वाला है, और उसमें फिर उनका कॉन्टेक्ट जो है, पहला जो परफॉर्मेंस है, पहला जो समागम है, वो सक्सेसफुल होता नहीं। अब जब सवेरे जब लड़की वाले उनको उनकी सहेलियां पूछती है उसका अनुभव क्या हुआ, तो बोलती नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर वो सब तरफ न्यूज फैल जाती है। फिर लड़का भी अपने दोस्तों से पूछता है, वो बोलती कि नहीं नहीं मैंने तो 4 बार किया, कोई बोलता मैंने 8 बार किया, बोलता मैंने 1 बार भी नहीं किया, तो उसको प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब अपने में कुछ तो भी कमी है। फिर सेकंड नाइट को जब वो सास में आते हैं फिर से, तो भी दिमाग में क्या रहता है कि मैं कल रात को कर नहीं सका, अभी पता नहीं आज कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, और फिर दिमाग में टेंशन है, वो लड़की का प्रेशर है, उसको मालूम नहीं क्या होने वाला है, लड़की ने पहले सहेलियों को बताया हुआ है, लड़के ने भी अपने दोस्तों को बताया हुआ है। अब ये वातावरण में यदि वो सेकंड नाइट को साथ में सोते हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उसमें क्या होगा, उसमें भी वो फेल हो जाता है। जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे जिसमें में कठोरता लाने की, इरेक्शन लाने की, उतना ज्यादा वो फेल होते जाता है, और बाद में सवेरे तक वो कोशिश करते मालूम पड़ता है कि अभी मैं काम में नहीं रहा और मेरे से होता है। लड़की भी सब तरह बता देती है और फिर उनका प्रॉब्लम चालू हो जाता है। अभी वो दोनों को मैंने सामने बिठाया, उनको बताया कि देखो, वो लड़की जो बोली कि नहीं नहीं आज की रात यदि जमा नहीं ना तो मैं चले जाऊंगी, बस आखिरी का आज का मैं चांस देती हूँ। मैंने पहले उसको बताया कि आप ऐसा टेंशन देंगे लड़के को तो बिल्कुल होने वाला नहीं, मैंने तपास लिया है, उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है, क्योंकि टेंशन सेक्स आने के लिए, इरेक्शन आने के लिए, शिश्न में ताटरता आने के लिए जरूरी क्या है, यहाँ रिलैक्स होना जरूरी है, यहाँ जितना रिलैक्स रहेगा दिमाग में उतना नीचे
टेंशन ज्यादा अच्छा है, आप यदि प्रेशर देंगे, बंदूक लगाएंगे कि चलो आज करना है, तो ऐसा होता नहीं है। वो अपने मन में नहीं है कि जब चाहे तब इरेक्शन आ जाएगा शिश्न में, जब चाहे तब नहीं आएगा। उसका वातावरण होना, रिलैक्स वातावरण होना, गपशप करना, मतलब मैं तो उल्टा बोलता हूँ कि शादी के बाद में कम से कम 2 दिन 3 दिन 4 दिन सेक्स मत करो, पहले एक दूसरे को पहचानो, बातचीत करो, मिलजुल के रहो, ताकि आप जब साथ में रहेंगे, मिलजुल के बैठेंगे, बातचीत करेंगे, एक दूसरे को समझ लेंगे, तो क्या होता है कि रिलैक्स वातावरण रहेगा और फिर धीरे 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 उनका सेक्स होते जाएगा। लड़की को मैंने बोला कि यदि आपकी इच्छा है कि नहीं नहीं ये मेरी मैरिज, ये मेरी शादी सक्सेसफुल होना चाहिए, तो आपको दिमाग में शांति रखनी पड़ेगी, ऐसा प्रेशर डाल के होगा नहीं। मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि इसमें कोई कमजोरी नहीं, ये कमजोरी सिर्फ कहां से आई हुई है, दिमाग से प्रेशर डाल के, लोड डाल के। तो क्या आप तैयार है शांति से आराम से काम करने के लिए? बोले आते हैं, मतलब बहुत अच्छा, वेरी गुड, तो फिर आप अभी जाओ, पहले अभी 2-4 दिन तो आपने सेक्स करने हैं, सिर्फ आप में, आपने रात में साथ में सोना, गपशप करना, कहीं लगे तो घूमने चले जाओ, वहां भी आपने कुछ सेक्स करने का नहीं, पहले किसी को समझ लो, टेंशन दिमाग का निकालो, उसके बाद में यदि आप बाद में समागम करते, संभोग करते, तो सक्सेसफुल रहेंगे। क्योंकि और लोगों में गलत फहमी क्या है कि जब शादी के बाद में कुछ लोग मेरे तरफ आते हैं, बोलते कि नहीं नहीं वो लड़की कुछ चिल्लाई नहीं चिखनी, मतलब लोगों में दिमाग मतलब गलत फहमी ऐसी रहती है कि जो पर्दा रहता है, हाइमेन जिसको बोलते हैं, वो पहले रात में फट जाना चाहिए, और वो फट गया तो खून आता है और उसको तकलीफ होना चाहिए। यदि उसको तकलीफ नहीं रही, इसका मतलब वो हाइमेन पहले फट गया था, पहले फट गया था शादी के पहले, और शादी के पहले फट गया था मतलब इसका पहले कहीं कभी कॉन्टेक्ट आया हुआ था, मतलब ये पहले से एक्सपीरियंस है, अनुभव तजुर्बा है, और इसलिए फिर गलत फहमी होगी, फिर और प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। मैं उनको ये भी बता दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि खून आना चाहिए पहले रात को, या उसको तकलीफ होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। जब लड़कियां, कुछ लड़कियां साइकिल चलाने लग रहती है या कोई खिलाड़ी रहती है, तो उनका भी हाइमेन जो है पर्दा फट सकता है वैसे, तो खून आना भी जरूरी नहीं है और पर्दा इंटैक्ट रहना वो भी जरूरी नहीं है। सिर्फ ये मालूम होना चाहिए, एजुकेशन, ये शिक्षा होनी चाहिए कि वो जो भी है वो बराबर है, उसमें कोई नहीं है कि नहीं नहीं इसका मतलब इसका कोई संपर्क आया हुआ है। तो ये गलत फहमी यदि निकाले दिमाग में से, दोनों ने, लड़कियों ने, लड़के ने, और शांति से काम लिया, तो मुझे, मैंने उसको बताया कि मुझे पक्का विश्वास है कि आपकी शादी सक्सेसफुल हो जाएगी। तो इसमें आप मतलब घर जाओ, शांति से रहो, रिलैक्स रहो, ऐसा बोलकर उनको रवाना कर दिया। 8-15 दिन के बाद में दोनों भी मेरे पास में आए और उन्होंने बताया कि नहीं, एकदम उनका सक्सेसफुल हो गया कॉन्टैक्ट और उनमें कुछ भी प्रॉब्लम आया नहीं। उसने देखी, बताया लड़के ने कि मैंने दिमाग में शांति रखी, और लड़के ने भी देखा कि मेरे को परफॉर्म करना ही है कंपलसरी, ये भी मैंने निकाल दिया दिमाग में से। दोनों ने पहले वादा किया था कि अभी हम एक दूसरे से अलग होंगे नहीं। लड़की ने बोला मैं यहीं रहूं, जब आप में कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉल्ट नहीं, डॉक्टर ने बताया मैं यहां रहने वाली हूं, मैं जाने वाली नहीं। जब लड़की ने उसको ये आश्वस्त किया कि मैं यहीं रहने वाली हूं, छोड़ के जाने वाली नहीं हूं, तो लड़का भी एकदम रिलैक्स हो गया और उनका कॉन्टैक्ट हो गया, अभी उनका बराबर लाइफ, सेक्सुअल लाइफ चालू हो गया। तो आप इसे शेयर करो ताकि कितनी सारी शादियां टूट जाती है इसके वजह से, गलत फहमी की वजह से टूटेंगी। और आप ये जो है मेरा वीडियो यूट्यूब का, वो भी आप सब्सक्राइब करो, साथ में शेयर करो, मेरे फेसबुक के ऊपर आप काफी सारी जानकारी मिल जाएंगी, फेसबुक को लाइक करो, शेयर करो, और आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है, वहां भी आप जाके देख सकते हैं। इसमें मेरा आनंदी वैवाहिक जीवन किताब है, तो ये किताब यदि आप पढ़ते हैं, ये मराठी का किताब है, और ये आप यदि किताब पढ़ते हैं तो इसमें काफी सारी जानकारी आपको मिल सकती है। तो ये किताब आपको उपलब्ध है, हमारे पते पे आप पूछ सकते हैं, और हरी जानकारी के लिए कभी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय।